नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में खूनी अंधविश्वास दशहरा पूजा से पहले दुर्गा महानवमी पर झारखंड में नरबलि युवक की मौत। अंधविश्वास की कोई हद नहीं, अगर कुछ है तो वह है खौफनाक परिणाम। अंधविश्वास से भरपूर झारखंड के रांची से एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है कि जिसे जानकर दंग रह जाएंगे। रांची के तमाड़ इलाके में दशहरा दुर्गा पूजा से पहले महानवमी के मौके पर एक युवक की बलि चढ़ा दी गई। आरोपी उसके ही गाँव का रहने वाला है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। पर्दाश से पहले आरोपी गांव भर में यह कहता घूम रहा था कि आज महानवमी के है, इसलिए किसी की बलि देनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला रांची के तमार क्षेत्र के पीपीईदी गांव का है। मृतक का पहचान हरादान लोहरा के रूप में ही है, जो पीपीईदी गांव का ही रहने वाला है। रांची समेत झारखंड के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में होगी बारिश, जाने अपने जिले के मौसम का हाल। राजधानी रांची में सुबह हल्की धुंध देखने को मिली, आसमान में हल्के बादल भी दिख रहे हैं। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हल्की हवा चल रही है। शहर में आर्द्रता का स्तर 90% तक है। सुबह 8 बजे शहर में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सुबह का मौसम सुहाना लग रहा है, हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ मेघ गर्जन की वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है, इससे शाम में रावण दहन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड के जंगल से निकला हाथियों का झुंड पहुंचा बिहार के गांव दहशत में नवादा के ग्रामीण। नवादा में जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा दिया है। शुक्रवार को विजयादशमी के दिन इन जंगली हाथियों का झुंड अब इस गाँव में सटे जंगल में तबाही मचा रहा है। हाल ये है कि कभी भी ये जंगली हाथी गांव में घुस सकते हैं और गांव के लोग खौफजदा हो चुके हैं। गुमला की अंजलि ने जीता ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड का किताब, मॉडलिंग में करियर बनाना है लक्ष्य। गुमला की बेटी अंजलि कुमारी ने ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड का किताब अपने नाम कर ली है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गर्व फाउंडेशन द्वारा आयोजित मॉडलिंग के फाइनल राउंड में झारखंड की प्रतिनिधित्व करते हुए अंजलि ने यह खिताब अपने नाम की है। झारखंड के पलामू में घटी दिल दहलाने वाली घटना, दो भाइयों ने अपने चाचा और दादी को कुल्हाड़ी से काट डाला। झारखंड के पलामू में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। जिले के नवाडी बाजार थाना क्षेत्र में दो भाइयों ने अपने ही चाचा और दादी को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने मेदिनीनगर टाउन थाने में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेदिनीनगर थाने की पुलिस ने नोडिया थाने की घटना की सूचना दी। इस सूचना के बाद नोडिया थाने की पुलिस मेदिनीनगर थाना पहुंची और अपने आरोपियों को अपने साथ ले गई। कोल संकट के बीच झारखंड पहुंचे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, बोले 15 अक्टूबर से 2 मिलियन टन कोयले की होगी आपूर्ति। देश समेत झारखंड में कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं होने से बिजली उत्पादन पिछले कुछ दिनों से प्रभावित हो रहा है। इस संकट के बीच गुरुवार को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। यहां से वे सीधे चतरा जिला स्थित अशोक ओपन कास्ट कोयला खदान का दौरा किया। इस दौरान कोयला मंत्री श्री जोशी ने कहा कि कोयले के स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इसी के तहत 15 अक्टूबर से 2 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति होगी। विजयादशमी पर इस जिले के लोग नहीं करते रावण के पुतले का दहन। झारखंड के जिला देवघर में विजयादशमी के अवसर पर रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता। कारण है कि देवघर को दशानन रावण की तपोभूमि माना जा रहा है और यह स्थापित पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग की रानेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहां शिव और शक्ति दोनों साथ विराजमान है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है, इसलिए नहीं होता दहन। देवघर में विजयादशमी के अवसर पर रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है। सीजी में लगातार दूसरे दिन ड्रग्स पकड़ी गई। झारखंड का पेडलर अंबिकापुर बेचने आया था, महिला समेत 3 लोगों ने 22 लाख की ब्राउन शुगर जब्त। सरगुजा जिले में लगातार दूसरे दिन पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने
220 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई दो अलग अलग मामले में की है। बताया गया है कि झारखंड का एक पेडलर अंबिकापुर में लाकर ब्राउन शुगर बेचने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसे ब्राउन शुगर खरीदने आया युवक भी पकड़ा गया। इधर दूसरे मामले में पुलिस ने एक महिला के पास से ब्राउन शुगर जब्त किया है। इस प्रकार पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 13 अक्टूबर को पुलिस का सूचना मिली कि शहर के खालापारा पंप हाउस के पास महिला के पास ब्राउन शुगर है, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। 24 घंटे में 16,682 नए मामले, 379 कोविड से मौत। देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के रोजाना आने वाले केस में कमी दर्ज की जाने का क्रम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश में बीते 24 घंटे में 16,682 नए मामले आए हैं। वहीं 379 लोग कोविड से जिंदगी की जंग हार गए। मंत्रालय के अनुसार इस समयावधि में देश में 19,391 लोग कोरोना से उभरे और घटों की दर लौटे। आज 7 रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी, पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनाएंगी। आज विजयादशमी का पर्व मना रहा है। विजयादशमी के पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को रक्षा क्षेत्र की 7 कंपनियां देश को समर्पित करेंगे। इन कंपनियों में पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनेंगे। सरकार का ये कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित इन कार्यक्रम में पीएम मोदी का वीडियो संबोधन की होगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इन कंपनियों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे।